मेरी भीगी भीगी सी सपनों में बस रह वैसा गलत लिरिक्स का गए। है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, रूम पे हाँ पानी नहीं था, बाहर से पानी लाके हमने टिफिन धोआ, बट उधर जाने के बाद आंटी बोलेगी तुम्हारा टिफिन ही नहीं बनाया आज। तो हाय गाइस, कल है पेपर और फ्रेंड कल के पेपर के लिए थी 2 दिन छुट्टी, बट एक्चुअली फर्स्ट डे तो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए, बट आज करना होगा अच्छे तरीके से पढ़ाई। वंस मोर भाई गाना गा रहा था, मेरी भीगी भीगी सी सपनों में बस रह वैसा गए। मुझे नहीं आता भाई अच्छे तरीके से, बट एक्चुअली फ्रेंड आकाश तो जा चुका है उसके गांव के फ्रेंड की तरफ, और यहाँ नहीं है सुबह से लाइट, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड नेट चलने के लिए, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा है, क्योंकि हम यूट्यूब पे देख कर पढ़ते, लेक्चर तो ज़्यादा किया नहीं इसलिए। तो कल है पेपर, एग्ज़ाम पढ़ाई जा रही है, बट भाई ने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो देख सकते हैं भाई कितना कॉन्फिडेंट है भाई, पढ़ नहीं रहा था कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अब तक। नहीं कुछ नहीं बना, कुछ भाई कर लेगा यार, क्योंकि भाई नाइट तो अच्छे से मारता है यार, और इफेक्टिवली पढ़ता है बहुत ही अच्छे से, मैंने नहीं नोटिस किया है जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। तो करते फ्रेंड पढ़ाई। करो फिर। हाय गाइस, 4 बज रहे 4 और लेने जा रहे सुबह का टिफिन अभी, दोपहर का है, दोपहर का सुबह का अभी लेने जा रहे ना फिर टिफिन दोपहर का ही है यार। हाँ दोपहर का टिफिन है, बट अभी खा रहे क्योंकि एक्चुअली पानी नहीं था रूम पे, इसलिए क्लेश हो रहे हैं हमारे साथ जीवन में। हाँ। तो आकाश रूम भाई पे भी लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, आकाश भी कैसी जैसी जिंदगी हो गई है। आकाश भी नहीं यार, आकाश भी जल्दी से मैनेज कर लेता, आकाश भी नहीं था। तो चलो, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, रूम पे पानी नहीं था, बाहर से पानी लाके हमने टिफिन धोआ, बट उधर जाने के बाद आंटी बोलेगी तुम्हारा टिफिन ही नहीं बनाया आज, तो आज बाहर खाने आ गए। तो वैसा है फ्रेंड, ऊपर एग्जाम का भी टेंशन है और ऐसी चीजें हो रही हमारे साथ। हाय गाइस, अब बज रहे 8:30 और फर्स्ट यूनिट फ्रेंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, होल डे आई वॉज रीडिंग इट एंड रिमेनिंग वन लेक्चर, दे हैव ऑल्सो सेम कंटेंट एंड दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी मैक्सिमम टाइम इन नाइट। देन फ्रेंड फर्स्ट यूनिट तो अच्छे तरीके से अब हो गया, अच्छे से लिख सकता हूँ, डायग्राम ही है, डायग्राम ड्रॉ करके उनको एक्सप्लेन करना है। तो अब जा रहे बाहर टिफिन लेने के लिए, सुबह का टिफिन तो कैंसिल हो गया था, बट भाई ने बोल दिया था कि आप शाम का टिफिन बनाओ, जी हाँ तो जा रहे हैं अभी। चलते हैं। आकाश भी आने वाला है। जी हाँ चलो चलते हैं। हाँ है, चलो चल। हाय गाइस, अभी बज रहे 10:30 और चल रही सेकंड यूनिट की पढ़ाई, फर्स्ट यूनिट तो हुआ है, थोड़ा अच्छा सा हुआ है, तो सेकंड भी करने वाले हैं अभी, सुबह रिविजिंग करेंगे। तो आकाश भाई की भी एंट्री इधर हो चुकी है, आकाश भाई गए था अपने गांव के दोस्त थे कुछ इधर रहने वाले, थोड़ा बहुत तो लो फील कर रहा था कल इसलिए गया था, अब आ चुका है। तो सूरज भाई तो है ही हमारे पास, इसको ये अगर लो फील करेगा तो इसको बहुत दूर जाना पड़ेगा इसलिए हाँ वो इसलिए मैं लो फील करके बैठ जाता हूँ चौप के रूम पे ही। भाई को, भाई को दीपाली को भी नहीं जाना फ्रेंड, हाँ यार क्योंकि जाने को 2 दिन लगते और आने के लिए दो दो दिन लगते, हमारी छुट्टी भी मैक्स 5 और 6 डे की होगी, इसलिए
तो चलो फ्रेंड, पढ़ाई तो जारी रखनी होगी अगर काल 12 मार्क लेना हो तो। एक्चुअली इन्होंने रखा है टारगेट 12 मार्क्स का। नहीं, टारगेट तो भाई हमें तो चाहिए 25। हाँ अब ठीक है, रियलिस्टिक टारगेट रखो ना जो हाँ मिल जाए। तो एक्चुअली टारगेट ट्वेंटी बड़ा, प्लस रखो। हाँ 20 वर्ड्स रखा ना फ्रेंड। एक्चुअली 12 तो कैसे आ जाएंगे, अगर 12 रखोगे तो उसमें से भी कमाएंगे, इसलिए ड्रीम बिग अचीव बिग। बाय बाय। वो आकाश भाई कर रहा था ब्लॉग ड्राई, वो निकल रहा था ब्लॉग, बट वो बहुत ही नॉन वेज ब्लॉग है, हम डाल नहीं सकते। तो फ्रेंड गाइस, करते आज का ब्लॉग यही एंड। पढ़ाई कर लिए, सेकेंड यूनिट शॉर्टली पढ़ लिया अच्छे तरीके से। सुबह 4 बजे उठकर रिवाइजन करनी होगी, रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे और सुबह रूम के ऊपर भी जाना है। तो मिलते फ्रेंड कल, मिलते कर एग्ज़ाम में कैसी रहेंगी एग्ज़ाम बता दे कल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन यू विल गेट। बाय बाय।